हेलो एवरी वन हेव आई यू ऑल माई नेम इज़ पूर्णिमा शर्मा वेलकम बैक टू माई चैनल फिजियो एम एंड फॉर फर दो न्यू हियर वेरी वॉम वेलकम ऑन माई चैनल फिजियो एम सो आज इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले ए डब्ल्यू यू यूनिवर्सिटी के बारे में असाम वुमेन यूनिवर्सिटी ये जो यूनिवर्सिटी है ये गवर्नमेंट यूनिवर्सिटी है उसकी फीस बहुत कम है ट्रस्ट ट्रस्टमीज़ इसकी फीस बहुत कम है कुछ गवर्नमेंट यूनिवर्सिटी है जो गवर्नमेंट होकर भी नाइन्टी थाउजेंड फीस लेती है और इसकी फीस बहुत ज़्यादा कम है आपके मोटिवेशन के लिए मैं आपको बता देती हूँ कि इसकी फीस जस्ट ट्वेंटी थाउजेंड है पर ईयर का फीस जस्ट ट्वेंटी थाउजेंड होने वाला है सो मेक श्योर इफ यू हर अ गर्ल देन प्लीज अप्लाई फॉर दिस यूनिवर्सिटी आई हैव ऑलरेडी टोल्ड इन माई प्रीवियस वीडियो अबाउट दिस यूनिवर्सिटी बट दिस टाइम आई एम मेकिंग दिस वीडियो लॉन्ग वीडियो अ डिटेल्ड वीडियो फॉर यू पीपल टू नो मोर अबाउट दिस यूनिवर्सिटी ओके मैं थोड़ा सा तैयार होकर बैठी हूँ क्योंकि मैं थोड़ा बाहर जा रही थी सो so, फिर मुझे याद है अरे राम मैंने आप लोगों को यूनिवसिटी नहीं बताई है ना ए डब्ल्यू यू जो यूनिवर्सिटी है उसका डिटेल्ड वीडियो नहीं बताया फिर मैंने कहा ऐसे तो आप लोगों को पता ही नहीं चलेगा मैंने शॉर्ट वीडियो में बता दिया था बट आई नो बच्चों ने जो मेरी डिटेल्ड वीडियो थी मतलब शॉर्ट में बताया था शॉर्ट वीडियो मैंने शॉर्ट में बता दिया था एक डिटेल वीडियो बनी थी गवर्मेंट यूनिवर्सिटी ठीक है आप देख सकते हो इस पर मैंने शॉर्ट में बता दिया था कि AWU के फॉर्म्स आ चुके हैं ना सो so, अब मैं ये डिटेल वीडियो बना रही हूं। और जो यू है यूनिवर्सिटी सिर्फ गर्ल्स के लिए है सिर्फ और सिर्फ गर्ल्स एलिजिबल हैं इस यूनिवर्सिटी में तो ए डब्ल्यू यू की डिटेल वीडियो बताने से पहले एक छोटी सी बात मैं आप लोगों को बता देना चाहती हूँ कि अभी भी आपके पास गवर्नमेंट यूनिवर्सिटी है पीजीएमआईआर का फॉर्म्स अब तक अवेलेबल है ठीक है सो मेक श्योर आप उसको फिल करें ठीक नेक्स्ट मैं बात करती हूँ डिप्सर डिप्सर की डेट जो है वो एक्सटेंड हो चुकी थी ठीक उसकी थी फिफ्टीन जून पर एक्सटेंड होकर 30th जून हो गया था सो तो अभी भी आप लोगों के पास टाइम है कि आप डिप्सर का फॉर्म फिल कर सकते हो डिप्सर कहाँ है आपकी दिल्ली में और पीजीआईएमईआर कहाँ है आपकी चंडीगढ़ में अब एक ये यूनिवर्सिटी मैंने बताई असम वुमेन यूनिवर्सिटी और ये कहाँ पे है आपकी असम में ठीक है अब मैं एक चीज बता देती हूं इसकी जो लास्ट डेट है वो है 30th जून कितनी लास्ट डेट है थर्टीथ जून यस थर्टीथ जून बस लास्ट डेट है और इसमें एंट्रेंस एग्जाम होता है यस एंट्रेंस एग्ज़ाम होता है डायरेक्ट एडमिशन नहीं है एंट्रेंस एग्ज़ाम है एंट्रेंस एग्जाम की डेट अब तक नहीं आई है यहाँ पे एक प्रोसीजर होता है इस यूनिवर्सिटी का पहले आपको फॉर्म फिल करना है उसके बाद में आपकी एलिजिबिलिटी डेट आएगी क्या आएगा एलिजिबिलिटी डेट आएगी ठीक है एलिजिबिलिटी डेट का मतलब है कि जो भी लोग उस कॉलेज की एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया को फुलफिल कर पा रहे हैं वो एलिजिबिलिटी डेट उन्हीं लोगों के लिए ठीक है मतलब उन्हीं स्टूडेंट्स को फिर वो शॉर्टलिस्ट कर देगी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया में क्या है कि आप मिनिमम सेवेंटी ईयर्स के वो जाने चाहिए कब तक ये दिसंबर थर्टी दिसंबर तक उसके बाद में आपका पी बी होना चाहिए जर्नल स्टूडेंट्स हैं तो मिनिमम आपके फिफ्टी मार्क्स होने चाहिए एस सी कैटेगरी से हैं तो फोर्टी होगा तो भी चलेगा ठीक है चलो आगे हम लोग बात करते हैं सीट्स नंबर ऑफ सीट्स कितनी है सो so, यहाँ पे आपकी सीट्स होने वाली है थर्टी 30. कितनी थ्री जीरो थर्टी यस तीस सीट्स हैं आपके पास सो मेक श्योर कि आप अपना सिलेक्शन ले लें बिकॉज फीस भी बहुत कम है अब मैं बात करूँ कि यहाँ पे थर्टी सीट्स हैं यहाँ आपके सेमेस्टर वाइज आपका कोर्स रन करता है ठीक है कैसे करते हैं सेमेस्टर वाइज तो मैं यहाँ पे आपको बता देती हूँ फर्स्ट सेमेस्टर में आपकी फीस जाने वाली है टेन थाउजेंड फोर हंड्रेड कितना टेन थाउजेंड फोर हंड्रेड और उसके बाद में आपकी सेकेंड फोर्थ और एट्थ सेकेंड फोर्थ सिक्स एंड एट्थ सेमेस्टर की फीस जाएगी सेवेंटी वन हंड्रेड नाइन्टी और जो थर्ड फिफ्थ एंड सेवन्थ सेमेस्टर की जो फीस जाने वाली है वो है सेवन थाउजेंड फाइव हंड्रेड टेन बस ठीक है चलो आगे मैं बात करती हूँ मतलब टोटल हमने लगा लिया कितना हो गया हमारा ट्वेंटी थाउजेंड पर ईयर का फीस पड़ेगा इससे ज़्यादा नहीं फिर हम बात करते हैं हॉस्टल की हॉस्टल है कि नहीं सो so, इस बार इन लोगों ने ऐसा लिखा है कि ट्वेंटी फोर ट्वेंटी फिफ्थ वाला जो बैच आने वाला है टू थाउजेंड ट्वेंटी फोर एंड ट्वेंटी फाइव के बीच जो का जो बैच होगा ये वाला जो बैच है इसमें हॉस्टल नहीं है ठीक है हॉस्टल फैसिलिटी इसमें नहीं है बट मे बी आगे आ जाए मे बी अगर आप इस यूनिवर्सिटी में एडमिशन ले लेते हो तो शायद नेक्स्ट ईयर से मतलब इस साल तो नहीं नेक्स्ट ईयर से हॉस्टल मिल जाए बट इस बार तो नहीं है सो so, मेक श्योर sure यूनिवर्सिटी की लास्ट डेट कितनी है जस्ट थर्टी जून ठीक है लास्ट डेट कितनी है थर्टी जून इस चीज़ को याद रखिए ए डब्लू यू जो आपकी यूनिवर्सिटी है उसके रिलेटेड मैं आपको कुछ छोटी छोटी चीज़ें बता देना चाहती हूँ जैसे कि यहाँ पे आपका एम अवेलेबल नहीं।, नहीं है इन लोगों का अपना हॉस्पिटल नहीं है टाइप कर रखा है ठीक है साथ के साथ यहाँ पे अगर मैं बैचलर्स के और भी मेडिकल कोर्सेज की बात करूँ तो वो यहाँ पे नहीं है ठीक है सो मेक श्योर कि गवर्नमेंट यूनिवर्सिटी है फीस बहुत कम है अगर एक बार जा करके विजिट कर लेंगे तो ज्यादा अच्छा है या फिर आपके नोन कोई फ्रेंड्स हो आप उनसे पूछ लीजिए मेरी एक फ्रेंड है जो असम वुमेन यूनिवर्सिटी से पास आउट करके आई है उन्होंने तो बोला यूनिवर्सिटी अच्छी है वहां अच्छा पढ़ाते हैं और उन्होंने इंटर्नशिप के लिए कहीं और से इंटर्नशिप की है सो so देट कि उनका जो प्रैक्टिस जो स्किल्स होते हैं वो उनके अच्छे हो सके तो इसलिए उन्होंने इंटर्नशिप कहीं और से की बाकी पढ़ने के लिए यूनिवर्सिटी अच्छी है ठीक है so, सो अगर आप लोगों को फॉर्म भरने में दिक्कत है तो हमारी फिजिएम की टीम तैयार है आप लोगों का फॉर्म फिल करने के लिए नीचे दिए गए नंबर पर मैसेज करना है क्या करना है व्हाट्सएप पे मैसेज सेंड करना है कॉल नहीं करनी हम लोग आपका फॉर्म फिल कर देंगे ठीक है मिलती हूँ मैं नेक्स्ट वीडियो में तब तक के लिए क्या करना है चैनल को सब्सक्राइब करके रखना है बाय बाय थैंक यू गुड नाइट जय हिंद